हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज़ अजय एंड परसेंटेज का पार्ट नंबर 7 की 8th आई डोंट नो, लेकिन टाइप नंबर 5 है। इस टाइप में हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर बेस्ड जो भी क्वेश्चन बनेंगे। एक्सपेंडिचर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? जैसे क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि किसी बंदे की इतनी सैलरी बढ़ने से बताइए चीज़ें कितनी कम मिलेंगी, खर्चे कितने कम होंगे। तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एक साथ मिलके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? बाकी परसेंटेज चैप्टर ख़त्म होने वाला है, मे बी नेक्स्ट एक या दो क्लासेस में ख़त्म हो जाए, ठीक है? और इसका एक्स्ट्रा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, वो BMC क्लासेस विद अजय में आपको मिल जाएगी। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे। बाकी लेक्चर तो सेम है, बाकी प्रैक्टिस आपको एक्स्ट्रा करवाने वाला हूँ मैं हर टॉपिक को लेके, ठीक है? और अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं BMC क्लासेस विद अजय, तो YouTube चैनल पे सर्च करिए, मिल जाएगा आपको, ठीक है? चलिए आज का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका? एक्सपेंडिचर होता है आपके खर्चे, कितना पैसा आपने खर्च करा, ठीक है? एक्सपेंडिचर। उसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा कंजप्शन का। और इसका क्या मतलब होता है? कंजप्शन का मतलब होता है कितनी चीज़ें आप खा रहे हो, मीन्स कि कंज्यूम कर रहे हो। जैसे मान लो आप मंथली 5 kg राइस खाते हो या 5 kg आप शुगर खाते हो, तो वो आप कंज्यूम कर रहे हो। अगर चीज़ों का प्राइस बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर को प्राइस की फॉर्म में भी हम मेंशन कर सकते हैं, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन पे क्या फ़र्क आएगा, ठीक है? सीधी सी बात है, आपको भी पता है कि प्राइस का और कंजप्शन का रिलेशन उल्टा चलेगा। अगर चीज़ों में प्राइस बढ़ जाएगा, भाई आप दुकान पे जाते हो, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो खर्चे तो इतने नहीं है ना, पैसे बढ़ा दो, फिर आप क्या करोगे? चीज़ें ही तो कम लेके आओगे। अगर चीज़ों में प्राइस बढ़ रहा है तो कंजप्शन कम होगा, ये तो कॉमन सी बात है। मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है, कितना? 100 रुपीज़ है। तो एक साइड हम प्राइस लिखेंगे, ठीक है? पहले हम प्राइस की बात करेंगे, फिर हम कंजप्शन की बात करेंगे। पहले मान लीजिए प्राइस था आपका, पहले आपके पास प्राइस था 10 रुपये का, मान लीजिए 10 रुपये पर केजी, ये है आपका प्राइस, रुपीज़ पर केजी। 10 रुपये पर केजी आपको राइस आ रहे हैं, कितने? 10 रुपये पर केजी आपको राइस मिल रहे हैं दुकान से। तो मुझे बताइए आप कितनी चीज़ें लेके आओगे, कंजप्शन कितना करोगे, या आप बोल सकते हो क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी लेके आओगे? तो आप मुझे बताइए 100 रुपीज़ है और 10 kg का सिर्फ एक ही केजी मिल, 10 रुपये का एक ही केजी मिलता है, मतलब 10 रुपये पर केजी का प्राइस है। तो निकालने का तरीका तो सामने दिख रहा है कि 100 में 10 के हिसाब से 10 kg चीज़ें आएंगी, क्लियर है? निकालना भी सीख लेना क्योंकि क्वेश्चन आएगा। आपको पता है कि आपके पास 100 रुपीज़ हैं और हर केजी का प्राइस 10 रुपये है, तो क्वांटिटी की मिली 10 kg, ठीक है? कितनी मिली? 10 kg क्वांटिटी मिली, 100 और नीचे मैंने रख दिया क्या, जो भी आपका प्राइस था। अगर मुझे प्राइस निकालना हो तो कंजप्शन नीचे रखो, प्राइस निकल जाएगा, ये आप क्वेश्चन में समझ जाओगे। तो मैंने देखा कि 10 रुपये के हिसाब से 100 रुपीज़ में मेरे को 10 kg चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन आगे क्या हुआ, आपका प्राइस को क्या किया, बढ़ा दिया। मान लीजिए प्राइस उसको कर दिया 20 रुपये, चीज़ें का प्राइस डबल हो गया। मान लीजिए प्राइस 10 रुपये से अब 20 रुपये हो गया। आप दुकान पे गए थे 100 रुपीज़ लेके, आपने तो दिमाग में सोचा था कि 10 रुपये के हिसाब से मैं 10 kg लेके आऊँगा। बट जैसे ही आप दुकान पे जाते हो, दुकानदार बोलता है कि भैया प्राइस क्या हो गया आपका, डबल हो गया, लेना है तो लो, नहीं लेना तो आपकी मर्जी। अब खाना तो खाना है, तो क्या करोगे? आपने क्या बोला कि पैसे तो मेरे पास इतने ही हैं, फ़िलहाल पैसे तो मेरे पास ज़्यादा नहीं हैं, क्या कर सकते हो? आपने बोला ठीक है भैया जितनी आती है उतनी दे दो, जितनी चीज़ें आती है उतनी दे दो। वो बोलेगा ठीक है 20 के हिसाब से 100/20 करोगे तो 5 kg मिल जाएगी। ये बात तो सबको समझ आ गई होगी कि 100 रुपीज़ में 10 के हिसाब से प्राइस होगा तो 10 kg मिलेगी, 20 का प्राइस होगा तो 5 मिलेगी, ठीक है? 20 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर पैकेट, कुछ भी हो सकता है, वो प्राइस पे डिपेंड करेगा। यहाँ से एक कंक्लूज़न निकालने लगा हूँ मैं, जो आपके काम आने वाला भी कंक्लूज़न क्या है। अगर मैं प्राइस का रेशू चेक करूँ, वो कितना है, 10:20, यही था ना पहले 10 अब 20, थोड़ा सा शॉर्ट आउट करें तो कितना आएगा, 1:2 आ गया। मैंने बोला मुझे बताओ कंजप्शन या क्वालिटी, क्वांटिटी की बात करते हैं, कंजप्शन या क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कितनी थी, 10:5,
थोड़ा शॉर्ट करें तो 2:1। यहाँ से मैंने एक चीज़ निकाली, एक रिजल्ट निकाला कि प्राइस का रेशियो हमेशा उल्टा होगा क्वांटिटी के। आपने देखा प्राइस क्या था 1:2 में, तो क्वांटिटी क्या होगी 2:1। भाई अगर क्वेश्चन में आपको प्राइस बता दिया जाए, क्या क्वांटिटी बना सकते हो खुद? देखिए यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने बोला प्राइस था पहले 100 और अब हो गया 120, मुझे बताइए कंजप्शन क्या होगा। तो आप बोलो सर कंजप्शन उल्टा होता है रेशियो, यही होगा कंजप्शन। मैंने अभी तो बताया कि प्राइस का रेशियो हमेशा कंजप्शन के उलट चलता है, उलट चलता है। अगर प्राइस 100 से 120 है तो कंजप्शन 120 से 100 होगा। काट के देख लो, ये 5 से 6 है तो ये 6 से 5 हो जाएगा। मतलब एक चीज़ अगर आपको मिल गई यही मिलेगा और ये आप खुद निकाल सकते हो। यहाँ तक बात मेरी क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक आपको। अगर प्राइस का रेशियो क्या है जो भी दिया है, कंजप्शन हमेशा उसके उल्टा कर देना आपको, उल्टा कर देना आपको, ठीक है। कंजप्शन को उसके उलट कर दो, क्वेश्चन में आपका काम हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि आपका प्राइस है 7 रुपये से 9, ये है प्राइस। मुझे बताइए क्वांटिटी क्या होगी? तो आप बोलोगे सर 9 से 7 होगी। सीधी सी बात है, बस उल्टा करना है, आपका काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से बस इतनी सी बात बताई कि प्राइस से उल्टा रेशियो चलता है कंजप्शन का या क्वांटिटी का। प्राइस जितना भी होगा, एक्सपेंडिचर जितना भी होगा, उसके उल्टा हमेशा कंजप्शन होगा। यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर होगी होगी। अब मैं यहीं से क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ़ प्राइस ऑफ द शुगर इज डिक्रीज बाय 10%, अगर मैं प्राइस को 10% कम कर दूँ, देन हाउ मच परसेंटेज द कंजप्शन इंक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। बोल रहे कि मान लीजिए कि आपका जो शुगर का प्राइस था वो 10% कम हुआ, मतलब चीज़ें सस्ती हुई। खैर ये पॉसिबल तो नहीं आज के टाइम पे। मान लीजिए 10% के हिसाब से चीज़ें क्या हुई आपकी, सस्ती हो जाती हैं। अब मेरे दिमाग में आ गया कि चीज़ें सस्ती हुई हैं तो मुझे उतने ही पैसे में ज़्यादा मिलेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खर्चे सेम रखने हैं, मतलब जितना खर्चा पहले करके आते थे उतना ही अब भी करके आना है। और आपके दिमाग में आ गया सर मुझे तो बस कंजप्शन बढ़ा लेना, क्यों? क्योंकि मैं पहले जितने 100 की जितनी चीज़ें आती थी मैं लेके आता था, अगर वो चीज़ें सस्ती होगी तो डेफिनेटली 100 में अब चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि पैसे वापस नहीं लेने, खर्चे सेम ही रखने हैं। मैं उसको बोलूँगा कि जो भी एक्स्ट्रा इसके बदले में आता है वो चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा दे दो बस। वही वो पूछ रहा है, बताइए कंजप्शन कितना परसेंट बढ़ाया जाए। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था डिक्रीज इंक्रीज़ का। अगर किसी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा उसी हिसाब से कम करना पड़े तो हमेशा वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लग जाता है जो मैंने आपको बताया था, डिक्रीज से इंक्रीज, इंक्रीज से डिक्रीज। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो पहले तो मैं आपको मेथड नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन करवाता हूँ। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, डिक्रीज इंक्रीज, ये लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से सीख लिया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिक्रीज़ की वैल्यू। जब भी आपका एक्सपेंडिचर सेम हो तो डिक्रीज़ इंक्रीज़ का कॉन्सेप्ट लगेगा। डिक्रीज़ वाली वैल्यू दी है, इस साइड आएगा आपका इंक्रीज़, यहाँ पे आएगा आपका डिक्रीज़। अच्छा बताइए डिक्रीज़ कितना, 10%। डिक्रीज़ कितना, 10, तो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। इसका मतलब 1/10 क्या है, डिक्रीज़। तो अगर हम चाहते हैं कि इंक्रीज़ की साइड जाना, तो मैंने क्या बोला था क्या करना होता है, हमेशा यहाँ से माइनस होता है, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, नीचे क्या होगा माइनस करके लिखोगे 9। तो 1/9 कितना होता है, 1/9 होगा सर 11.11% या 11/9, और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए ये है छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये मुझे सिखाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा कि मैं डिक्रीज इंक्रीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सर एक्सपेंडिचर सेम है। याद रखना एक्सपेंडिचर सेम होगा तो आप डिक्रीज इंक्रीज़ का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे मैथड पर, वो क्यों करना है अभी आपको समझ भी आ जाएगा कि दूसरा मैथड अप्लाई क्यों करना है। चलिए मैथड नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, यही पे मैं कर रहा हूँ मेथड नंबर 2। तो कोशिश करिए यहाँ पे 100 की फॉर्म में रख लो। यहाँ पे क्वेश्चन में प्राइस दिया था, अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो आप बोलोगे सर प्राइस है 10% कम करना है पहले अगर 100 होगा, तो अब कितना हो जाएगा 100 से,
10% कम हुआ तो अब प्राइस कितना हो जाएगा 90। तो इसी को मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को गलती ना लगे। ये समझ आया कि 100 से 90 कैसे हो गया? भाई साफ साफ बोल रहा है कि 10% प्राइस कम हुआ, तो मान लीजिए पहले 100 है, अब 10% कम करो तो 90 हो जाएगा। ये बेसिक परसेंटेज अगर पढ़ रहे हो तो ये आप समझ पाओगे, अगर आप स्टार्टिंग में देख रहे हो तो नहीं कर पाओगे। मैं बोलता हूँ कि मुझे क्या करना है, कंजप्शन कितना परसेंट बढ़ना है, पहले कंजप्शन पता तो हो, बाद में तो मैं बता दूंगा कितना बड़ा है। तो मैं बोलता हूँ कंजप्शन कितना होना चाहिए इस हिसाब से, प्राइस तो मुझे मिल गया, तो कंजप्शन साफ साफ बताया था उल्टा होता है, इसका मतलब 90 से 100 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? अगर प्राइस कम हुआ तो कंजप्शन डेफिनेटली इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि चीज़ें सस्ती हुई तो ज़्यादा मिलेंगी। अब आपको यही तो बताना था कि कंजप्शन कितना परसेंट ज़्यादा होगा, इसको मैं और भी शॉर्ट करूँगा, अभी और भी शॉर्ट करूँगा। देखो तो आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा कि प्राइस 100 से 90 कैसे हुआ, क्योंकि साफ साफ हो रहा है कि शुगर का प्राइस 10% कम करना है, तो 10% कम हो चुका है, 100 ही मान के चलो फिलहाल, इसमें 100 के बिना क्वेश्चन आएगा, मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो कंजप्शन मुझे खुद निकालना पड़ा, मैंने बोला कि अगर 100 से 90 है तो कंजप्शन उल्टा चलता है, स्टार्टिंग में यही तो कॉन्सेप्ट बताया कि प्राइस का उल्टा आपकी क्वांटिटी या कंजप्शन चलेगा। तो 90 से 100 क्या यहाँ से निकाल सकते हो कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ, मैंने बताया था कितना इंक्रीज़ हुआ, आप बोलोगे 10 का इंक्रीज़। कितना? 10 का इंक्रीज़ किसके ऊपर, किसके ऊपर? देखो कितना किसके ऊपर मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई 100, तो 90 के ऊपर, पहले 90 था और ये कट के आ गया 1/9, तो 1/9 को मल्टीप्लाई 100 करो कितना आएगा, 11.11%। ठीक है, इसी को मैं अभी और भी शॉर्ट करने वाला हूँ, देखो इसी चीज़ को मैं और भी ज़्यादा शॉर्ट करने वाला हूँ। इसको मैं मेथड नंबर थर्ड को क्या बना रहा हूँ, इसी को बना रहा हूँ, ये कोई नया मेथड नहीं है। देखो डिक्रीज इंक्रीज पहले से समझा चुका हूँ, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसी मेथड को शॉर्ट करते हैं। मैं इसको इस प्रकार लिखूँगा, 100 था प्राइस, कितना हो गया 90, इस साइड देखोगे तो प्राइस दिखेगा, और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 90 से 100, ऐसे ऐसे पढ़ लो आप, यहाँ से देखो ऐसे चलना है, हमेशा एक ही लाइन में ख़त्म हो जाएगा। आप बोलो कि कंजप्शन पहले 90 था, अब 100 हो गया, क्योंकि कंजप्शन हमेशा प्राइस का उल्टा होता है, 100 से 90 प्राइस है और कंजप्शन 90 से 100 हुआ, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, सामने दिखेगा कि खर्चे कम हुए तो चीज़ें का कंजप्शन इंक्रीज़ ही होगा। तो आप यहाँ से बोलो 10 का इंक्रीज़ 90 के ऊपर, तो कितना हो गया 11.11%। तो ये एक ही लाइन में ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। देखो डिक्रीज इंक्रीज ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात डाली मैंने, क्या प्राइस दिया होगा, कंजप्शन खुद बनाओगे, कंजप्शन क्या पूछ रहा अपने आप निकल जाएगा, और इस तरीके से क्वेश्चन आना चाहिए। क्यों? जब ये एक्सपेंडिचर सेम नहीं रहेगा तो डिक्रीज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट वहाँ नहीं लगेगा, डिक्रीज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट बस वही पे काम करेगा, यहाँ पे प्राइस बढ़ने से कंजप्शन कम ज़्यादा होगा, प्राइस का चेंज होने से कंजप्शन में चेंज होगा वहीं पे। अगर खर्चे चेंज हो गए तो क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, फिर इसी तरीके से करना पड़ेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, नहीं है तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, समझ आएगा। मैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए डिक्रीज इंक्रीज से करते हैं, क्यों? क्योंकि देखो एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज, एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तो मैं सीधा करूँगा, 40% का इंक्रीज़ हुआ प्राइस में, 40% का इंक्रीज़ हुआ, तो 40% का इंक्रीज़ कितना होगा, 40 की फ्रैक्शन होती है 2/5, इसका मतलब 2/5 क्या है आपका, ये इंक्रीज़ की वैल्यू है ना, इस साइड लिखो इंक्रीज़, तो इस साइड चलना तो डिक्रीज़ निकालना है, ये लिखना की लिखने की जरूरत है नहीं आपको, डिक्रीज इंक्रीज़ समझ जाओ कि इस साइड इंक्रीज़ और राइट साइड मिक्सर डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ कैसे होता है, ऊपर वाला सेम नीचे दोनों का ऐड 7, तो 2/7 कितना होता है, ये होता है 28, 4/7 या 28.54, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 28 पॉइंट, ये क्वेश्चन है, इसको 54 कर लेते हैं, 28.56 में होगा, ठीक है इतना ही होगा, 56 ही होगा, तो इसी को पॉइंटों में लिखोगे तो 28.56% होगा। तो डिक्रीज इंक्रीज है तो क्वेश्चन इजीली बना पाओगे, मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है भी नहीं है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरी लास्ट क्लास देखना सैलरी वाली, उसमें आपको समझ आएगा कि डिक्रीज इंक्रीज कैसे बन रहा है।
अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड से, क्योंकि कभी कभी डिक्रीज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। मेथड नंबर टू की बात करते हैं, वो क्या है, प्राइस से चलते हैं। प्राइस तो कैसे है, प्राइस आपका 40% का इंक्रीज 100 से 140 हो गया, तो कंजप्शन मुझे निकालना है कितना कम हो, खर्चे सेम रहे तो कंजप्शन उल्टा चलेगा। इसका मतलब 140 से दिख रहा है कि कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 40 का, बट कितना किसके ऊपर, परसेंटेज निकालना ना, कितना परसेंट कम होगा, परसेंटेज निकालना है। तो 40 की कमी हुई 140 के ऊपर, क्योंकि ओरिजिनल तो 140 है ना, जैसे यहाँ से लिखोगे 100 140 प्राइस और कंजप्शन होगा 140 से 100, तो यहाँ पे देखो ना 40 की कमी 140 के ऊपर। तो ऐसे नहीं लिखना आपको, आपको एक ही लाइन में लिखना है इसको, जैसे मैंने लिखा है। इस साइड से देखोगे तो प्राइस दिखेगा, इस साइड से देखोगे कंजप्शन दिखेगा, क्वांटिटी दिखेगी। तो 40 की कमी देखो, 140 से 40 हो रहा है तो 40 की कमी हो रही है, 40 की कमी होना 140 के ऊपर कितना परसेंट बनता है, तो ये कट के बन गया 2/7। तो 2/7 और 100 से मल्टीप्लाई होगा जब परसेंटेज बनाना, तो आपको भी पता है कि 2/7 की 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 28.56 या 28 4/7। इसका भी आंसर ये होगा और इसका भी आंसर यही था, ये वाला, ठीक है। चलिए दोनों क्वेश्चन का आंसर आ चुके हैं आपके, सेकंड फर्स्ट का आंसर ये नहीं था, फर्स्ट क्या था, 11.11 था ना, ये वाला था, तो इसका है 28.56। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बढ़ रहा हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस कॉन्सेप्ट में मैंने कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस तो मैंने यूज़ नहीं करी है, फिलहाल मैंने सिंपली बताया कि प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन कम होगा, ये मैं बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में ही क्लास यही से स्टार्ट हुई थी। तो प्राइस बढ़ा 40 से 140, कंजप्शन 140 से 100 हो गया, तो कितना कमी, 40 की 140 के ऊपर परसेंटेज निकालना आपको सिखा चुका हूँ, हर एक चीज़ आप सीख चुके हो, जो नया कंसेप्ट था वो सिखा दिया। ये डिक्रीज इंक्रीज मैंने बता दिया, ये कहाँ लगेगा कंजप्शन वाले क्वेश्चन में, जब एक्सपेंडिचर सेम होगा तब ये डिक्रीज इंक्रीज सीधा, देखो मैं बिना पेन लगाए निकाल सकता हूँ, मैंने देखा इंक्रीज़ हो रहा है, 2/5 इंक्रीज है तो 2/7 डिक्रीज होगा, 28.56 आंसर, बिना पेन लगाए आंसर बता सकता हूँ। पहले क्वेश्चन देखो, 10% का डिक्रीज वाली साइड 1/10 और इस साइड आओगे इंक्रीज वाली साइड तो कम करना, तो 1/9 कितना होता है, 11.11। तो ये क्वेश्चन आप बिना पेन लगाए कर सकते हो। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्या बोल रहा है, शुगर का प्राइस 30% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो कंजप्शन कितना बढ़ जाए, सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% ओनली। तो अब भी क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर नॉट सेम, यहाँ पे आपको खर्चे भी बढ़ाने हैं। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि डिक्रीज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा। देखो चीज़ों का पता तो होना चाहिए ना, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ कहाँ पे लगना है, जब ये चीज़ें समझना सीख जाओगे अपने आप क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ जो आपको मैथ में बहुत कम टीचर बताएंगे कि इस केस में ये करो वो, ऐसा कुछ नहीं बताएंगे, आप सीधा क्वेश्चन बताएंगे और आप क्वेश्चन में लगा नहीं पाते हो। तो चीज़ों को समझो और उसकी एप्लीकेशन समझो कि कहाँ कहाँ हम इसको लगा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ इसलिए नहीं लगा पाया, अगर एक चीज़ बढ़ने से दूसरी कम होती तो मैं सीधा डिक्रीज इंक्रीज निकाल सकता था, बट यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा खर्चे का मतलब क्या है, डिक्रीज करने का मतलब क्या है, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। तो मेथड नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं। मेथड नंबर टू क्या बोलता है, देखो शुगर का प्राइस डिक्रीज हुआ, तो 100 की चीज़ है, 30% डिक्रीज होने का मतलब है कि 70 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं इसको एक ही लाइन में लिखता हूँ, ऐसे क्यों लिखना, मैं अगर हम प्राइस की बात करें गाइस तो वो हो गया 100 से कम, तो बहुत पहुँच गया 70। मैं बोलूँ कंजप्शन कितना बड़ा, मुझे पता है कंजप्शन तो इंक्रीज होना, वही तो बोल रहा है ना, कंजप्शन कितना इंक्रीज होगा, परसेंटेज ऑफ कंजप्शन इंक्रीज, सो एज द एक्सपेंडिचर बिल सेम होता फिर तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बोल रहा है कि आप दुकान पे जाते हो, दुकानदार ने बोला कि भैया चीज़ें सस्ती होगी, जो चीनी लेने आए हो वो 30% सस्ती हो चुकी है। आपके दिमाग में आया भाई मेरे पास तो पैसे थे, अब तो मज़ा हो गया, मुझे चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी,
फिर आपने सोचा चलो एक काम करते हैं, हम खर्चे भी 10% कम कर लेते हैं। मतलब जो पैसे लेके गए थे खर्च करने के लिए, उसमें से आपने पैसे बचाने की सोच ली कि चलिए मैं 10% खर्चा बचा लेता हूँ, है ना, डिक्रीज कर लेता हूँ खर्चे। पैसे भी बचाना चाहते हो तो भी बोल रहा है कि बताइए कितनी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, तो भी क्योंकि एक्स्ट्रा तो मिलने वाली थी, लेकिन कुछ पैसे आपने बचा लिए और चीज़ें एक्स्ट्रा, ताकि मैं घर पर जाके बताऊँ कि मैं अभी भी देखो 100 रुपये की ज़्यादा चीज़ें लेके आया हूँ। लेकिन इवन कि आपने पैसे बचाए हैं, तो ये आपने 10% के पैसे भी बचाए और कंजप्शन तो भी कितना बढ़ेगा, तो भी कितना बढ़ेगा, ये आपको बताना है। चलिए तो कैसे बताओगे, आपको करना क्या, छोटा सा पॉइंट करना है यहाँ पे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 30 की इंक्रीज़ हुआ है, ऐसे नहीं बोल सकते कि 30 बढ़ा है 70 के ऊपर, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको 100 के पास नहीं जाना है, बस एक यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। आप यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, खर्चे 10% डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसको 10% डिक्रीज़ करो, 10% का डिक्रीज़ करो, तो कितना होगा, 90 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो कंजप्शन कितना बढ़ाना है, 20 का बढ़ाना है हमेशा 70 के ऊपर, नीचे वाले के ऊपर, क्योंकि कंजप्शन इस साइड से देखना, ये ओरिजिनल है ये नया वाला है। तो 10% खर्चे बचाए तो 90 के पास आ गए। तो अब आपका क्वेश्चन आ चुका है आंसर, तो इसका भी आंसर सेम आया है। आप देख रहे हैं कि कितनी बार ये तीनों क्वेश्चन में एक ही वैल्यू निकल के आ रही है बार बार, 7 वाली फ्रैक्शन। तो आंसर है इसका बी पार्ट। देखो इस क्वेश्चन में मैंने छोटी दी है, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ही नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सीधी सी बात है, इस साइड देखोगे तो प्राइस कंजप्शन मैंने 70 से 100 मतलब 30 बढ़ाना था, बट क्वेश्चन में कंडीशन दी गई कि आपको कंजप्शन 10% कम करना है, क्या एक्सपेंडिचर 10% कम करना है। मैंने एक्सपेंडिचर 10% कम करा, तो अब मुझे 90 तक चीज़ें बढ़ानी है। इसका मतलब 70 से 90 20 का इंक्रीज़ हो रहा है, और कितने के ऊपर, ओरिजिनल हमेशा ये होता नीचे वाला, इस साइड से देख रहे हो कंजप्शन। तो ये आपका आंसर आ चुका है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्लास नहीं है। अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो कि सर ये समझ नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो आपको ये ना समझ आए। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्राइस क्या है, 16.66% से क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो कंजप्शन कितना परसेंट इंक्रीज़ करेंगे, खर्चे सेम रहे, तो बस सेम हो गया, तो एक्सपेंडिचर सेम है तो डिक्रीज़ इंक्रीज़ लगा दो, कोई इशू ही नहीं है। मैं सीधा बोल रहा हूँ इसको, 16.66 क्या है, डिक्रीज़ है, तो 16.66 है 1/6, तो आपको इंक्रीज़ निकालना है। तो क्या होगा, हमेशा माइनस 1/5, तो कितना हो गया, 20% का इंक्रीज़ हो गया, ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको मेथड नंबर 2 से करना है, यह है आपका डिक्रीज इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट, तो मेथड नंबर 2 से करना तो कर लेते हैं। 16.66 मतलब 1/6, तो क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना, अगर पहले 6 था अब 1 कम कर दो, अब 5 होगा, मैंने डिक्रीज इंक्रीज बताया था आपको। 16.66 का मतलब होता है 1/6, तो ये डिक्रीज़ करना है इतना, तो पहले 6 था इतना कम किया, मतलब यही एक है भाई, 16.66 जब 6 का निकालोगे तो एक ही तो आएगा, तो अब कितना होगा, 5। इसका मतलब मेरा प्राइस 6 से 5 हो गया, तो बताइए कंजप्शन कितना होगा, तो 5/6 होगा, खर्चे से ये मतलब कितना परसेंट बढ़ा, आप बोलोगे 1 बढ़ा किसके ऊपर, कंजप्शन 5 के ऊपर, तो 1/5 कितना होता है, 20%। इसी को शॉर्टकट लिखोगे तो ऐसे लिखोगे कि प्राइस 6 से 5 हुआ, उल्टा चलना है कंजप्शन, 1 का इंक्रीज 5 के ऊपर कितना आ गया, 20%। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है। इसी को इतना ना लिख के, प्राइस और कंजप्शन की अलग अलग लाइन नहीं लिखनी है, एक ही लाइन में निपटा दो। इस साइड से देखो प्राइस, तो इस साइड से देखो कंजप्शन, मुझे कंजप्शन देखना क्या बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है किसके ऊपर, 5 के ऊपर, यहाँ भी तो 1 बढ़ रहा था 5 के ऊपर। तो ये चीज़ें आप समझ पाओगे अगर परसेंटेज की क्लास समझ है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 30% ड्यू टू दिस अ फैमिली यूज 40 kg लेस शुगर, सो एज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज 10, इसको परसेंट कर लेते हैं 10% ओनली, ठीक है 10% ओनली, फाइंड ओरिजिनल कंजप्शन। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक परसेंटेज भी दिया है, लेकिन इस बार आपको चीज़ें किलोग्राम में भी दे दी हैं, क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है,
सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा एड ऑन किया। देखो क्वेश्चन ऐसे तो सीखने होते हैं, पहले मैंने डिक्रीज इंक्रीज बताया, फिर मैंने बताया कि डिक्रीज इंक्रीज कहाँ पे नहीं लगेगा तो कैसे निकालना वो बताया। अब उसी चीज़ में इसने क्या कर दिया, चीज़ों को क्वांटिटी में बताना स्टार्ट कर दिया, सिर्फ परसेंटेज तक बात नहीं रही, अब आपको क्वांटिटी बतानी है। तो कोई बात नहीं, बेसिक क्वेश्चन वही तक रहेगा, क्वेश्चन मैं ऐसे ही करता हूँ। देखो डिक्रीज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि डिक्रीज इंक्रीज पूछा ही नहीं है, क्वांटिटी में पूछा है। अब मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि प्राइस की बात करें तो 100 से क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज का मतलब 30% इंक्रीज, तो 130 हो गया, 130। अब आपने यहाँ पे देखा कि जो खर्चे हैं वो 10% इंक्रीज करने हैं, ध्यान से पढ़ना, इंक्रीज की डिक्रीज, तो खर्चे 10% इंक्रीज का मतलब 110 करना है। अब आपको वापस 130 से ना 100 के पास नहीं जाना था, ये भी ध्यान रखना ये चीज़ का। तो अब कहाँ जाना है आपको, 110 के पास जाना है। तो कितना इंक्रीज, तो भी कितना डिक्रीज हो रहा है, खर्चे बढ़ने से चीज़ें कितनी डिक्रीज हो रही हैं, तो वो डिक्रीज हो रही हैं आपकी 20 की, किसके ऊपर, 130 के ऊपर। अब अगर आपको परसेंटेज निकालना था तो मल्टीपाई 100 करो, परसेंटेज बन गया था, लेकिन उसने परसेंटेज नहीं पूछा, उसने क्वांटिटी में बात करी। मतलब आपने क्या बोला कि आपकी पहले चीज़ें 100 का प्राइस था, अब वही चीज़ें 130 की आ रही हैं, आपने बोला ठीक है 130 की प्राइस है, 130 हो गया। मैं चीज़ों की बात करूँ, यहाँ पर मैं पहले 130 चीज़ें लेके जाता था, अब मुझे सिर्फ 100 लेके जाना पड़ेगा, उल्टा चलता है कंजप्शन। लेकिन उसने बोला कोई बात नहीं, आप खर्चे थोड़े से बढ़ा लीजिए, चीज़ें महंगी हुई हैं, कोई बात नहीं, आप खर्चे भी थोड़े ज़्यादा कीजिए, आप पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसे लेके गए थे आपने वो भी यूज़ करा, तो 10% एक्स्ट्रा थे वो भी जोड़ दिया, तो 110 आपके पास खर्चे हैं इतना। तो इसका मतलब कंजप्शन 130 की बजाय तो भी आपको 110 ही लेके आना पड़ेगा, चीज़ें कम लेके आनी पड़ेंगी। तो कितनी कम, 20 कम, किसके ऊपर, 130 के ऊपर। थोड़ा सा शॉर्ट करें तो मैं बोलूँगा दो चीज़ें कम किसके ऊपर, 13 के ऊपर, ये डिक्रीज, ये आपका ओरिजिनल था कंजप्शन, ओरिजिनल कंजप्शन, करंट कितना होगा, करंट कितना होगा भाई, 13 आप पहले लेके आते थे, दो कम लेके आ रहे हो, तो अब 11 लेके आओगे, ये क्या है आपका करंट कंजप्शन, ये है क्या आपका करंट कंजप्शन। ये चीज़ आपको बनाना आनी चाहिए, ये मैं आपको क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, जब मैं पहले क्वेश्चन करवाया था ना कि किसी नंबर का इतना परसेंट निकाल के उसी में ऐड कर दो, ये भी वही चीज़ है। 20 चीज़ें कम लेके आनी है 130 के ऊपर, 20 चीज़ें कम लेके आनी है 130 के ऊपर, तो थोड़ा शॉर्ट किया तो दो चीज़ें 13 के ऊपर कम लेके आनी है, ये कम लेके आनी है, ये ओरिजिनल है, तो आगे तो अपने आप निकल जाएगा, बस यहाँ पे कंपेयर कर लो, क्वेश्चन हो गया। अगर परसेंटेज निकालना, इसको मल्टीप्लाई 100 करता परसेंटेज होता। देखो यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ रही है कि इसको मैं परसेंटेज ना बना के मैंने जो डिक्रीज इंक्रीज है वो देख रहा हूँ कि दो का डिक्रीज़ हुआ 13 के ऊपर, तो अब मैं 11 लेके आऊँगा। करंट कंजप्शन, अभी जो प्रेजेंटली चीज़ें लेके आ रहे हो वो 11 लेके आ रहे हो, पहले 13 लेके आते थे, दो कम लेके आए हो, यहाँ पे कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसकी वजह से फैमिली को 40 kg चीज़ें कम लेके आनी पड़ती हैं, है ना, 40 kg शुगर कम लेके आनी पड़ती है। तो आप कितनी कम लेके आ रहे थे, दो, तो वही चीज़ आ गई ना जो क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया कि 40 kg, आप कितनी कम लेके आ रहे हो, 2 kg, ये वही मेथड है जो पूछा है, उसको मल्टीप्लाई करो, पूछा कि आपसे ओरिजिनल कंजप्शन, तो ओरिजिनल कितना, 13, तो आंसर आपका आ चुका है 260 kg। अगर मैं पूछता करंट कंजप्शन बताओ तो आप बोलते हैं कि करंट 11 है तो 11 से मल्टीप्लाई करता, वही चीज़ है ना जो आपने क्वेश्चन में दिया, आपने वो चीज़ कितनी निकाली और मल्टीप्लाई करो। ये वाला मेथड तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि आपको काफ़ी बार यूज़ करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो गाइस इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, मैंने कोशिश की है आपको इसको भी क्वेश्चन को समझाने की, मैं स्लोली स्लोली इसलिए बताता हूँ ताकि आपको कोई डाउट्स ना बचे। देखो यहाँ तक क्वेश्चन सेम था, मैं दोबारा से एक बार फास्ट करके बताता हूँ फिर उसको मिटाता हूँ। देखो 100 से चीज़ें हुई आपकी 130 की, क्योंकि महंगी हुई है, इंक्रीज़ हुआ है, मैंने बोला 130 से 100 होगा कंजप्शन, लेकिन उसने बोला कोई बात नहीं 100 को 10 बढ़ा दो, 110 कर दो, तो 20 की कमी 130 के ऊपर, 2 की कमी 13 के ऊपर, तो 11 चीज़ें लेके आओगे। आपको दिया था 40 kg कम, आप कितना कम कर रहे हो, 2, पूछा क्या करंट, तो आंसर आ गया आपका 260। इतना टाइम लगता है करने में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है,
शुगर का प्राइस 50% बढ़ा दिया, कितना कंजप्शन कम करें कि एक्सपेंडिचर 10% ही क्या हो, डिक्रीज हो। कोई बात नहीं, 100 से इंक्रीज़ हुआ तो 150 हो गया, 150 से कंजप्शन 100 होना चाहिए था, लेकिन इसने बोला इसको क्या करो अब 10% कम करो। कोई बात नहीं, अभी इसको 90 भी करो, खर्चे भी 10% कम करो, तो कितनी कम लेके आना पड़ेगा? आप बोलोगे 60। किसके ऊपर? आप बोलोगे 150 के ऊपर। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? परसेंटेज पूछा हुआ है, वही जो तीसरा क्वेश्चन किया था। तो परसेंटेज निकालना, कोई बात नहीं, 2 × 3 5 × 3, तो 2/5 को जब आप 100 से करोगे कितना होगा? तो आपको पता है 40%, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी नहीं दी थी, परसेंटेज पूछा था, मैंने परसेंटेज बना दिया मल्टीपाई 100 करके। और क्वांटिटी पूछा होता तो इसको कंपेयर कर लेता, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। इसमें डिक्रीज इंक्रीज क्यों नहीं लगा? क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम नहीं था, वो भी 10% क्या किया, डिक्रीज किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7th। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7th आ चुका है। शुगर का प्राइस 30% क्या किया गया? डिक्रीज किया गया, डिक्रीज किया गया। इसकी वजह से फैमिली को 32 kg शुगर ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि चीज़ें सस्ती हुई हैं तो ज़्यादा ही मिलेंगी। तो 30% कम होने से 32 kg चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं। बोल रहा है कि सो एज एक्सपेंडिचर बिल डिक्रीज, एक्सपेंडिचर भी सेम नहीं, डिक्रीज़ करना है 16% का, बताइए करंट कंजप्शन क्या होगा। तो इसको मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बनाता हूँ, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7th। 100 की चीज़ थी, प्राइस क्या हुआ, कम हुआ 30, तो 70 हो गया। अब आपको 70 से किसके पास जाना है, ध्यान से देखिए, क्या 100 के पास जाना है, क्या कंजप्शन को 30 बढ़ाना है? बिल्कुल भी नहीं। उसने बोला कि एक्सपेंडिचर 16% कम कर सकते हो, इसका मतलब खर्चे 16% बचा सकते हो, 16% की कमी ला सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। तो 100 का 60% कम करोगे तो 84 बच जाएगा। डैट मीन्स कि आपको 70 से जाना है अभी 84 के पास, तो भी कितना कंजप्शन बढ़ाना है आपको? 14 का, 14 का कंजप्शन बढ़ा किसके ऊपर? हमेशा नीचे वाले के ऊपर। ये हो गया आपका 1/5। आपने बोला कि मैं पहले ओरिजिनल कंजप्शन 5 करता था, अब एक क्या हो रहा है मेरा, ध्यान से देखिए, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो करंट कंजप्शन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। करंट कंजप्शन 6 हो जाएगा। पहले मैं 5 चीज़ें लेके आता था, एक बढ़ गई सस्ती होने की वजह से, अब 6 लेके आ रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, वो बोल रहा है कि आप 32 kg ज़्यादा लेके आ रहे हो। भाई आप कितनी ज़्यादा लेके आ रहे हो? आप तो बस एक ही ज़्यादा लेके आ रहे हो। पूछा क्या आपसे? करंट कंजप्शन, तो करंट कंजप्शन कितना है? 6। करंट अभी कितनी लेके आ रहे हो? 6 × 2 12 का 1 18 और 1 19 192 kg। तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, एज इट इज़ आपका, जैसे आपने 5 क्वेश्चन करा वही है, क्वेश्चन नंबर 5th की तरह ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8th। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा उसने चेंज करा, इसमें दो पार्ट पूछे हैं। प्राइस बढ़ा 20%, जिसकी वजह से 12 kg शुगर कम आई 300 रुपये में। आपको बताना है ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, करंट प्राइस क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही पहले की तरह ही चलेगा, डिक्रीज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि पैसों की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है। आप बोलोगे प्राइस की बात करें तो 100 से बढ़ के 120 हो गया, तो कंजप्शन देखो वापस किसके पास आना है। तो खर्चे वही कुछ बोला नहीं, सेम ही होगा। अगर 10% इंक्रीज डिक्रीज बोलता तो कम ज़्यादा करता, इसका मतलब कम करना है। 100 से 20 कितना कम हो रहा है? 20 की कमी हो रही है। किसके ऊपर? 120 के ऊपर। किसके ऊपर? 120 के ऊपर। यहाँ से अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ तो 1/6, मैं बोल सकता हूँ कि ओरिजिनल कंजप्शन 6 था। ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है ना 120 से 100, तो ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो अब कितना आएगा? फिर 5 आएगा, ये करंट कंजप्शन। तो करंट कंजप्शन कितना आ रहा है आपका? करंट कंजप्शन आ रहा है 5। अब कंपेयर करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, पहला पार्ट बोल रहा है कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। यहाँ पे पहले बनाते हैं, ये क्या है, 12 kg कम हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप कितना कम कर रहे हो? 1। इसका मतलब क्वेश्चन में 12 kg आप कर रहे हो 1। और अगर आपको बोलूँ मैं करंट कंजप्शन बताओ, तो 60 आ गया आपके पास करंट कंजप्शन। अगर मैं बात करूँ ओरिजिनल कंजप्शन बताओ, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देता, ये है आपका ओरिजिनल कंजप्शन। अब दोनों चीज़ें नहीं पूछी आपसे, एक्स्ट्रा चीज़ क्या पूछी? देखो पहला पार्ट पूछ रहा है कि बताइए ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। तो प्राइस आसानी से निकल जाएगा ना, पर केजी कितने का मिलेगा। आपने बोला कि 300 रुपये में
इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अगर मैं बात करूँ ओरिजिनल प्राइस की, ओरिजिनल प्राइस की, तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? देखो ओरिजिनल प्राइस निकलेगा आपका ओरिजिनल कंजप्शन से, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज़ें लेकर आते थे उसका प्राइस निकालना है। तो आपने बोला 300 की चीज़ थी और मेरा पहले जो ओरिजिनल प्राइस था वो था 70, और सॉरी जो कंजप्शन था वो था 72। तो कितने का पड़ा पर केजी, कितने का पड़ा? कर लेते हैं इसको किसके यहाँ पे देखिए आप, तीन के टेबल में कट रहा है, तीन के टेबल में काटते हैं, दो और चार 24, ये आ गया 100। तो 24/100 करोगे तो 4 × 24 कितना होता है, 96, 4 तो 1/6, इसका मतलब 4.1/6 कितना होता है, 1/6.16। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए आप दुकान पे गए तो आपके पास था 300 रुपया, मैं बोलता हूँ आपको 20 kg चीज़ें लेके आना है, ओरिजिनल चीज़ें कितनी लेके आना, 20, तो प्राइस कितने का पड़ेगा? आपने बोला 20 लेके आना है तो 15 के हिसाब से पड़ा होगा, यही तो है प्राइस हर केजी का, यही प्राइस होता है। तो सेम यहाँ पे 20 की जगह क्या था, 72 था, तो पैसे थे 372 से प्राइस डिवाइड करा, ये आंसर आ गया। ये डिवाइड क्यों हुआ ये समझ आनी चाहिए आपको। जैसे मैं बोलता हूँ कि ओरिजिनल प्राइस हो गया, तो अब आपको निकालना है करंट प्राइस, क्या निकालना है, करंट प्राइस। तो करंट प्राइस कैसे निकालोगे, अभी भी 300 रुपया है तो करंट चीज़ें कितनी लेके आ रहे, उसी के तो प्राइस निकलेगा ना, करंट चीज़ें 60, तो 60 से डिवाइड करो, तो हर केजी कितने की पड़ रही थी, हर एक केजी 5 रुपीज़ पर केजी, यहाँ पे था, मतलब देखो चीज़ें क्या हुई, सस्ती हुई ना। यहाँ पे पहले करंट प्राइस अभी 5 हो गया, पहले था 4.16 के हिसाब से, अब आपको 5 मिल रहा है, मतलब चीज़ें महंगी मिल रही हैं। तो ये क्वेश्चन समझने के लिए मैं एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करता हूँ, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी ओरिजिनल कंजप्शन करंट कंजप्शन निकालने में। एक्स्ट्रा पार्ट था कि उसको प्राइस चाहिए था, भाई प्राइस के लिए आपको पैसे भी पता है, चीज़ें कितनी लेके आना वो भी पता है, तो प्राइस अपने आप निकल जाएगा, डिवाइड करो। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि 100 की चीज़ें हैं, मान लो 10 kg लेके आना तो करंट निकल जाएगा, प्राइस प्राइस दिया तो कंजप्शन निकल जाएगा। तो मैंने किया 300 का 72 kg लेके आना, तो पर केजी इतने का पड़ेगा, यह था आपका ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस से ही ओरिजिनल निकलेगा, और करंट कंजप्शन क्या था उसी से प्राइस निकलेगा, करंट के लिए मैंने करंट निकाल दिया। ये क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन चला था यहाँ से, फिर मैंने इसी को क्वांटिटी में लेके आया, अब क्वांटिटी से प्राइस निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 था, आप ट्राई करोगे। शुगर का प्राइस बढ़ रहा है, मैं थोड़ा सा आपको दे देता हूँ, आपको हिंट देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 का 20% कम हो रहा है, 100 से 80 हो रहा है। यहाँ पे आगे देखो कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा कि 10% बढ़ाना है कम करना है, इसका मतलब कंजप्शन होगा 80 से 100, इसका मतलब 20 का इंक्रीज़ होगा 80 के ऊपर। थोड़ा शॉर्ट करें तो 1/4, 4 आपका ओरिजिनल कंजप्शन है, 1 आपका इंक्रीज़ हुआ, और न्यू कितना आया, 5 आपका करंट कंजप्शन है। बस इसके बाद कंपेयर कर लो, मैं पहले यहाँ से आपको क्या निकालना है, करंट कंजप्शन निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चले दो वो कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा कि आपके हिसाब से कितना ज़्यादा मिल रही फैमिली को, 20 kg शुगर ज़्यादा मिल रही है, तो आपके हिसाब से कितनी है, 1 आपको निकालना पहले, कौन सा, मान लीजिए पहले ओरिजिनल निकालना, तो ओरिजिनल के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 80 kg आपका क्या है, ओरिजिनल कंजप्शन है। करंट कंजप्शन निकालना है तो करंट से मल्टीप्लाई कर देता, इसका मतलब 100 kg क्या है, करंट कंजप्शन है। बट आपको प्राइस निकालना है, करंट प्राइस और इसका प्राइस, तो दोनों प्राइस कैसे निकलेंगे, मैंने लास्ट क्लास में अभी लास्ट क्वेश्चन में बता दिया कि पैसों से चीज़ों को डिवाइड करो वही उसका प्राइस होगा, इसका निकालना इसी से डिवाइड करना, मुझे इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर टेंथ करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10th, प्राइस ऑफ टी इंक्रीज बाय 20%, अ पर्सन इनिशियली वॉट 480 ग्राम्स टी, हाउ मैनी ग्राम्स वॉट बाई हिम इन सेम अमाउंट आफ्टर प्राइस डिक्रीज। बोल रहे कि जब
चीनी का प्राइस 20% बढ़ा, इंक्रीज़ हुआ, लेकिन इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में आदमी तो 480 ग्राम टी खरीदता था, अब बताइए उसी अमाउंट में वो कितनी टी खरीद के लाएगा। देखो चीज़ें महंगी होगी तो टी तो कम ही मिलेगी ना, डेफिनेटली कम मिलेगी। कर लेते हैं क्वेश्चन, 100 से 20% बढ़ा तो 120 बन गया आपका प्राइस, तो कंजप्शन देखो कुछ डिक्रीज इंक्रीज़ नहीं लिखा, तो कोई बात नहीं, इसका मतलब 20 मुझे कम करना पड़ेगा, किसके ऊपर, 120 के ऊपर, ये बन गया मेरा 1/6। तो पहले ओरिजिनल कंजप्शन था 6, एक आपको डिक्रीज, देखो 120 से 100 डिक्रीज करना पड़ रहा है, और करंट कंजप्शन हो गया 5। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। इनिशियली कितना वाट करता है वो, 480, इनिशियली मतलब ओरिजिनल कंजप्शन, तो 480 वो ओरिजिनल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चले दो 480 ओरिजिनल। आप कितना ओरिजिनल खर्च कर रहे हो, 6। पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा कि अभी वो करंटली कितनी चीज़ें खरीद सकता है उसी पैसे में, तो करंट कितनी खरीद सकता है, 5 के हिसाब से, वही 480 दिया था ओरिजिनल, आपका ओरिजिनल था 6, करंट पूछा है तो करंट है 5, वही बताया जो दिया है वही नीचे लिखो, मल्टीप्लाई जो पूछा वो निकाल दो, तो 8×5=40, मतलब 400 ग्राम्स कम लेके आएगा। तो कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, पहले डिक्रीज इंक्रीज देके ये पूछ रहा था ओरिजिनल वगैरह, अब ओरिजिनल देके करंट पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देख लेते हैं फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ टी डिक्रीज बाय 2% अ पर्सन इनिशियली बॉट, इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आप, ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये, कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत आसान क्वेश्चन है। 100 से डिक्रीज हुआ 98 होगा, इसका मतलब 2 बढ़ेगा 98 के ऊपर, 2/98, और कट जाएगा 1/49, तो वो इंक्रीज़ हो रहा है तो 1/49 नीचे और 50 हो जाएगा आपका करंट कंजप्शन, तो बाकी उसके बाद कंपेयर करें, कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, अ रिडक्शन ऑफ ₹2 पर केजी एनेबल्स अ मैन टू परचेज 4 kg शुगर मोर फॉर ₹16 फाइंड ओरिजिनल प्राइस। यहाँ पे देखो परसेंटेज तो है ही नहीं, सिर्फ क्वांटिटी की बात हो रही है, सिर्फ क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होगी तभी चीज़ें आसान लगेंगी, समझ जाएंगी, ऐसे अगर रेटाफिकेशन करते रहोगे कि इसको याद कर लो ऐसे होगा ऐसे होगा, कुछ भी नहीं होगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है रिडक्शन ऑफ 2 per kg, अगर मैं 2 रुपये per kg के हिसाब से रिडक्शन मतलब कमी कर दूँ, मतलब जितनी भी केजी में चीज़ें लेता हूँ हर केजी के पीछे मैं 2 रुपये छोड़ दूँ, तो एक आदमी को 4 kg शुगर ज़्यादा मिल जाती है अगर वो 16 रुपये की चीनी लेता हो, तो बताइए ओरिजिनल प्राइस क्या होगा उसका, ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बोल रहा है कि अगर आदमी 16 रुपये की चीनी लेके आता है, हर केजी में उसको 2 रुपये की छूट मिल रही है, तो वो कितनी केजी शुगर स्टार्टिंग में लेके आता होगा कि 2-2 की छूट पाके उसको 4 kg शुगर एक्स्ट्रा मिल गई उसी 16 रुपये में। क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, आसान क्वेश्चन था ये, सीधा आंसर आ जाएगा इसका। 4 kg ज़्यादा मिल रही है, पहले आप ज़्यादा वाला कंडीशन खुद बनाओ, मैं बोलता हूँ कि 16 रुपये प्राइस है, जैसे आप देख रहे हैं ना 400-300 के नीचे क्या रखते थे क्वांटिटी, मान लीजिए। अब एक बात मुझे बताइए कि जिसका प्राइस कम किया गया हो, इसमें कमी की गई हो, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा आएगी कि जिसका कम नहीं था उसकी ज़्यादा आएगी, मतलब 2 रुपये कम करने के बाद जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी या 2 रुपये कम ना किए बिना वो ज़्यादा होगी। अगर मेरे को जो चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, मैं दुकान पे जाता हूँ, मुझे 2 रुपये हर केजी पे छूट मिल रही है, तो अभी मैं जितनी भी लेके आ रहा हूँ छूट के बाद, वो ज़्यादा क्वांटिटी होगी कि जहाँ मैं बिना छूट के लेके आऊँ वो ज़्यादा थी, तो जो मैं छूट से लेके आ रहा वो मेरी कम होगी और वो मेरी ज़्यादा होगी, जो बिना छूट के लेके आता था वो ज़्यादा कम थी। तो मैं बोलता हूँ 16/x रख लेते हैं, चलो एक्स से अगर आपको एक्स अच्छा नहीं लगता तो इसको हम ए मानते हैं। ए क्या है आपका, ओरिजिनल कंजप्शन, मतलब पहले मैं मानता हूँ कि मान लीजिए पहले वो ए चीज़ें लेके आता था, और आपको ही पता है कि 16 रुपये हैं आपके पास, मैं बोलूँ कि पहले 4 kg लेके आता था मान लो,
तो आपको पता चल जाएगा 4 रुपीज़ पर केजी आ रहा है, 4 रुपीज़। यहाँ पे पूछा प्राइस है ना, तो इसको हम लोग ओरिजिनल प्राइस मानेंगे, कंजप्शन नहीं मानेंगे। देखो ध्यान से समझोगे तो समझ आ जाएगा, अगर समझने की कोशिश करोगे, नहीं करोगे तो डिफिकल्ट लगेगा। ये डाटा को समझने की कोशिश करो, मैं कॉन्सेप्ट एक ही यूज़ कर रहा हूँ, वो कौन से वाला, कि अगर मेरे पास प्राइस है 100, सॉरी टोटल मेरे पास पैसे हैं 100, मेरे पास रुपीज़ है 100 रुपीज़, मुझे कोई बता दे कि भाई 20 रुपये पर केजी से चीनी मिलती है, तो मुझे आप बता सकते हो कि कितनी केजी लेके आओगे? आप बोलोगे सर मैं यहाँ से 5 केजी शुगर लेके आ जाऊँगा, जो भी है। तो ये तो मुझे पता है कि ऊपर पैसे नीचे प्राइस रखो तो मुझे क्वांटिटी मिल जाती है, ये बात तो क्लियर हुई। मैं बोलता हूँ कि पहले 16 रुपये में अगर 1 रुपया प्राइस होगा तो 16/A करोगे तभी तो क्वांटिटी मिलेगी, तभी तो क्वांटिटी मिलेगी। इसका मतलब ये कुछ मेरी क्वांटिटी है, ये टोटल मेरी क्वांटिटी है। तो जब प्राइस कम करा, पहले ए था, अब हर केजी में दो कम करा, पहले 1 रुपये केजी था, अब ए में से दो कम कर दो, अभी जो चीज़ें मिलेंगी तो अभी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, पैसे बटा प्राइस, कंजप्शन कितनी चीज़ें लेके आ रहे, क्वांटिटी निकलेगी। ये पहली क्वांटिटी थी, ये बाद वाली ज़्यादा वाली क्वांटिटी, अगर दोनों का डिफरेंस निकाले तो जो ज़्यादा अपने आप निकल जाएगा, वो कितनी दी है, वो 4 दी हुई है। इसको मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि सर प्राइस टोटल रुपीज़ ऊपर रख दो, नीचे प्राइस रख दो, मुझे क्वांटिटी मिल जाएगी, ये बात तो क्लियर होगी। जैसे मैं बोलता हूँ 100 रुपीज़ है, प्राइस है 5 रुपये का पैकेट, 5 रुपीज़ पर पैकेट, तो कितने पैकेट मिलेंगे, 20 पैकेट मिलेंगे, तो ऐसे ही तो क्वांटिटी निकलेगी। मैंने पहली क्वांटिटी निकाली कि 16 रुपये थे, पहले ए का प्राइस होता था, मान लीजिए ए का प्राइस था, क्योंकि ए ही तो निकालना है ना, ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो ए का प्राइस था, तो 16/A करोगे तो कुछ क्वांटिटी मिलेगी, कुछ क्वांटिटी मिलेगी। और दूसरी बार प्राइस कम हुआ, क्योंकि उसने बोला ना हर केजी के ऊपर 2 रुपये कम कर रहे हैं, तो दूसरी बार कम हुआ, आप चाहे इधर उधर रख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस में आ जाएगा और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और मुझे पता है कि जिसका प्राइस कम है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, इसलिए मैंने बड़ा नंबर यहाँ रखा। और दोनों के बीच का जो ज़्यादा मिल रही है वो टोटल 4 केजी, इसका मतलब इसका डिफरेंस कितना है, 4 केजी का। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है, जहाँ तो इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैल्शियम लेके, या सीधा बाय ऑप्शन आ जाइए। बाय ऑप्शन कैसे, बाय ऑप्शन कैसे होगा, ये ओरिजिनल प्राइस पूछा है तो ओरिजिनल प्राइस मैंने ए माना है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन उठा के रखें कि ये 4 आ जाए, कौन सा ऑप्शन उठा के रखें ये 4 आ जाए। तो सीधी सी बात है, ऐसा ए रखिए ये पूरा इसको काट दे, तो अगर मैं ए 6 रखूँ तो 6 16 को नहीं काटता, पहले काटने वाला नंबर देखो, अगर मैं 4 रख के देखूँ तो क्या कटता है, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर 4 रखूँ तो 16/4 कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे देखिए 16/, ये 4 रखा है इसकी जगह 2 निकाल दो, तो 16/2 कितना होता है, 8। तो 8 में 4 निकालो, 4 आ गया, तो मुझे 4 के बराबर ही करना था। इसका मतलब ए की जगह अगर मैं 4 रख दूँ तो ये इक्वेशन 4 के बराबर आ जाएगी, और वही मेरा आंसर भी है। बाय ऑप्शन चेक करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर कितना हुआ आपका, आपका आंसर हुआ गाइस 4 रुपीज़ पर केजी। क्वेश्चन बहुत आसान था, पहली में इतनी चीज़ें लेके आता था, नहीं इतनी लेके आ रहा हूँ, दोनों का डिफरेंस तो 4 केजी ज़्यादा मिल रहा है, तो डिफरेंस से मैंने यहाँ पे आंसर निकाल लिया। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन हो रहा है, मैं देखता हूँ मिल जाता, तो हाँ इस क्वेश्चन को मैं एक कंडीशन बना के देता हूँ, वो कैसे, आपका बोल रहा है कि 50 पैसे हर दर्जन के हिसाब से कम करो तो 1 दर्जन ज़्यादा एग मिल जाते हैं 66 में। मैं बोलता हूँ 66 में पहले मान लीजिए ए प्राइस था, अब कम किया कितना, 50 पैसे, तो ए माइनस 0.5, यही होता है 50 पैसे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना ज़्यादा मिलना है, 1 दर्जन ज़्यादा मिलेगा। बस यहाँ से मुझे बताना कि ए की वैल्यू क्या रखें कि यहाँ पे 1 आ जाए, बस कुछ नहीं देखना, देखना कौन सा नंबर है यहाँ पे जो पूरा पूरा काट रहा है, तो 6 रख के देखना, ये आ गया 11, यहाँ पे रखो 0.5 से काटोगे तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा 1 दर्जन ज़्यादा वाला। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और होपफुली आज की क्लास थोड़ी अच्छी थी, मानता हूँ थोड़ा सा मेहनत लगेगी सीखने में, बट क्लास बहुत अच्छी थी, ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है जो मैंने आपको ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करी। तो गाइज़ आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई भी करें जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछे हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।